हेलो एवरीवन आई एम दीपक पुरवे दिस वीडियो इज फॉर क्लास सेवेंथ ऑन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट इंटीजर पार्ट टेन इन दिस वीडियो वी डिस्कस ऑन टॉपिक दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वाइल सिंपलीफाइंग टू और मोर ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन सच एच प्लस माइनस प्रोडक्ट प्रोसेंट इन न्यूमरिकल एक्सप्रेशन वी प्रोसेड एज जब हम लोग दो या दो से अधिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसा कि प्लस माइनस प्रोडक्ट दैट मींस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन दैट मींस डिवीजन को को प्रोसीड करेंगे दैट मींस सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस तरह के ऑर्डर का फॉलो करेंगे फर्स्ट डिवीजन को सॉल्व करेंगे आफ्टर डेट मल्टीप्लिकेशन आफ्टर डेट एडिशन एंड इन फाइनली लास्ट वी सॉल्व सबट्रैक्शन दैट इज वी फॉलो द ऑर्डर डी एम ए एस डी मार्स डी फॉर डिविजन एम फॉर मल्टीप्लीकेशन ए फीप्लाई थ्री हेयर वन टू थ्री टोटल थ्री ऑपरेशन प्लस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट वी सोल्व हेयर डिविजन यानी सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे डिविजन को डिविजन को सोल्व करने के लिए दो टर्म चाहिए माइनस सिक्स डिवाइड माइनस टू इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ठीक है नहीं लेंगे तो भी चलेगा तो इसको पहले सॉल्व करेंगे बाद की जो भी टर्म है उसको वैसे ही हम लोग लिख देंगे ठीक है तो यहां पर माइनस टेन प्लस इसको सॉल्व किए डिवीजन को तो यहां थ्री मिला मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई थ्री यानी यहां से ब्रैकेट अब क्या हो गया इलिमिनेट हो गया हट गया ठीक है अब दो ऑपरेशन मिला प्लस और मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले किसका होगा एडिशन का नहीं हो सकता पहले पर मल्टीप्लीकेशन होगा ठीक है मल्टीप्लिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहां फिर से हमको दो टर्म चाहिए थ्री और बाद जो भी है उसको लिख लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए डिफरेंट अपोजिट नंबर अपोजिट साइन के नंबर तो का जो है एडिशन है तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे ठीक है इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का वन मिला और जो वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू जो इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा होगा उसका साइन पुट कर देंगे तो यहाँ दस टेन जो है इसका साइन बड़ा हो टेन बड़ा नंबर है प्राइवेटेज है इसका एब्सोलूट वैल्यू भी बड़ा होगा सो वी पुट द साइन ऑफ दिस दैट इज माइनस फाइनली वी गेट माइनस वन नो नो अबाउट ब्रैकेट्स व्हाट इज ब्रैकेट्स नो यू वी सी द यूज ऑफ ब्रैकेट्स व्हेन वी आर टू परफॉर्म टू और मोर ऑपरेशन एट ए टाइम देन वी यूज ब्रैकेट टू ग्रुप द नंबर्स उूज ऑपरेशन इज टू बी डन फर्स्ट जब हम लोग दो या दो से अधिक ऑपरेशन को एक ही समय परफॉर्म करने के लिए कंडीशन हो जा आ जाता है परफॉर्म करने के लिए कंडीशन आ जाती है तब वहां पर हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं किस चीज के लिए तो टू ग्रुप द नंबर्स नंबर को ग्रुपिंग करने के लिए हुज ऑपरेशन इज टू बी डन फर्स्ट जिसका ऑपरेशन हमें फर्स्ट में करना पहले करना है ठीक है जिस 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 नंबर ऑफ ग्रुप्स का जो ऑपरेशन हमको पहले करना है उसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं ब्रैकेट लगा, है, लगा देते हैं उसके लिए ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं ठीक है नाउ वी सेट आर फर्स्ट दैट इज लाइन दैट इज बार जनरली नोन एज बार और भिन्न कोलम सेकेंड इज दिस सिंबल दिस Generally known as round or a small bracket or parentheses. Third is that is curly. Generally known as curly brackets or braces. Fourth is generally known as big or a square bracket. This is known as big or a square bracket. Some rules for this terms. First is terms inside the brackets are simplified first. ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होंगे उसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे सॉल्व करेंगे द रूल्स फॉर रिमूविंग ऑफ ब्रैकेट वाइल सिंप्लीफाइंग आर यानी ब्रैकेट को हटाने के लिए सॉल्व करने के लिए रूल्स क्या है उसको हम लोग देखते हैं द रूल इज फर्स्ट रिसोल्व बार सेकेंड स्मॉल ब्रैकेट थर्ड करली ब्रैकेट एंड फोर्थ स्क्वायर ब्रैकेट यानी सबसे पहले हम लोग बार को सोल्व करेंगे उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से होता है और थर्ड में हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे उसके बाद जो है फोर्थ में स्क्वायर ब्रैकेट जो इस तरह से होता है वाइल्ड परफॉर्मिंग सिंप्लीफिकेशन दर्डर ऑफ लेटर्स टू बी फॉलोड यानी जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्वेश्चन में तो हम लोग इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे that is order is names name that order's names is both mass b for bracket o for of means of means generally multiplication d for division m for multiplication a for addition s for subtraction here o for o or m both have same meaning but in question if both are present that is of and multiplication then we first सिंप्लीफाइड ऑफ यानी सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे ऑफ भी आ गया है और मल्टीप्लिकेशन भी आ गया है तो पहले ऑफ को सोल्व करेंगे ठीक है सिंप्लीफाइड करेंगे ऑफ वाले टर्म को ठीक है उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे नॉन लेट सिक्स क्वेश्चन इच सिक्सटीन माइनस माइनस फाइव ब्रैकेट सिक्स माइनस नाइन माइनस थ्री नाइन माइनस थ्री पावर ब्रैकेट पावर बार डिवाइड फोर इंटू एट प्लस टू माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बार को सोल्व करेंगे बार को सोल्व करने के लिए आपको नाइन माइनस थ्री चाहिए बाद बाकी को वैसे ही रखेंगे तो सिक्सटीन माइनस माइनस फाइव करली ब्रैकेट सिक्स माइनस यहाँ माइनस पर नहीं है अगर माइनस पर भी यहाँ बार होता तो माइनस नाइन माइनस थ्री डेट इज माइनस ट्वेल्व होता है लेकिन माइनस पर बार नहीं है नाइन माइनस थ्री पे बार नाइन माइनस थ्री को पहले सॉल्व करेंगे तो सिक्स मिलेगा ठीक है डिवाइड फोर और यहाँ एट यहाँ अब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन तो करने के लिए दो टर्म चाहिए माइनस टू माइनस थ्री दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा सिक्स ठीक है तो इससे पहले जो भी है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो भी टर्म चाहिए उससे पहले जो भी है उसको वैसे ही लिख देंगे तो फाइनली एट प्लस सिक्स मिल गया ठीक है अब यहाँ पर सिक्सटीन माइनस माइनस फाइव यहाँ पे जीरो आ गया अब यहाँ पर माइनस फाइव और इसके बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं है जब कोई ऑपरेशन नहीं होता है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है फॉर से ए बी ए इंटू बी ए मल्टीप्लाई बी तीनों का सेम मीनिंग होगा यहाँ ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन क्लियर दिख रहा है यहाँ डॉट दिख रहा है ठीक बीच में अगर रहेगा डॉट अगर ठीक बीच से थोड़ा नीचे रहेगा तो वो डेसिमल है उसका मीनिंग होता है तो ए इंटू बी इसको पढ़ेंगे और इसका मीनिंग होता है ए मल्टीप्लाई बी यहाँ पर कोई भी बीच में ऑपरेशन नहीं है इसका मतलब ही होता है ए मल्टीप्लाई बी डेट मीनस एम ए इंटू बी तो इस तीन फॉर्म का सेम मीनिंग होता है उसी तरह यहाँ पर कोई साइन नहीं है डेट मीनस मल्टीप्लीकेशन है जो हिडन है छुपा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे माइनस फाइव को जीरो से मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो इसको हम ब्रैकेट पर रख लेते हैं या नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा ठीक है लेकिन बेहतर होगा कि ब्रैकेट में रख लेना ठीक है तो तो माइनस फाइव को पहले जरूर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी चार फोर इंटू सम है तो फोर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ जो वैल्यू आया उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसको तो पहले सॉल्व करना होगा ठीक है उसके बाद ही डिविजन करेंगे इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी हो जाएगा ठीक है क्योंकि जिसको पहले सोल्व करना है वहां पर ब्रैकेट अपने मन से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ला सकते हैं नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन गलतियां हो जाती है ठीक है क्योंकि यहाँ फोर इंटू मल्टीप्लीकेशन है ना तो पहले यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करने करेंगे ना ब्रैकेट है ना यहाँ पर एट प्लस सिक्स ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट जो पीछे है उसको उसका भी उस ऑपरेशन उसी के साथ होगा ना कि डिवीजन पहले करेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो ब्रैकेट सॉल्व तब तब होगा जब इसके आगे पीछे कुछ नहीं बचेगा ठीक तो है तो यहाँ पर फोर इंटू मल्टीप्लीकेशन डेट इज फोर्टीन नाउ फाइनलिंग एट सिक्सटीन माइनस इसका वैल्यू माइनस फाइव जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो

तो इस चैप्टर के जो भी कंसेप्ट थे जो भी थ्योरी थे हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पास में जो भी बुक होगा आप लोगों के पास अवेलेबल उस बुक से आप चैप्टर वन इंटीजर्स चैप्टर को के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा जो भी डाउट्स होंगे वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नंबर एट सेवन जीरो नाइन फाइव वन सेवन एट फोर जीरो पे सेंड करके आप हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चंस की आंसर्स या डॉट्स क्लियर कर सकते हैं थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो